बलूचिस्तान के रास्ते से यहाँ आपके तमाम सरकारी इदारे, फ्रंटियर कोर, सुनो, फ्रंटियर कोर, कस्टम, पुलिस, लेवी, ये सारे स्मगलिंग पे लगे हुए हैं। लेकिन आज इस जलसे के लिए सारी रोडों पे पुलिस मौजूद थी। शर्म आनी चाहिए ऐसी हुकूमत को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपको ये गुजारिश कर दूं कि मुझे बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है, आज क्वेटा से मशीन आते हुए हर मोड़ पे पुलिस की चार चार गाड़ियां और हर जगह पे इन्होंने हमें रोकना चाहा। पुलिस की कारकर्दगी से पता चला कि यहाँ पे नफरी भी ज्यादा है और पुलिस सड़कों पे नाके भी करती है, मुझे पता चला। और बलूचिस्तान के लोगों, आपके चमन के रास्ते से आया हुआ ईरानी पेट्रोल मेरे लकी मरवत में फिरोख्त होता है। वो पेट्रोल यहां से शुरू होके इस्लामाबाद तक पहुंच जाता है, पुलिस का नाका कभी नहीं लगा होता है। बलूचिस्तान के लोगों, आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं, ये जो सूबाई हुकूमत है इधर तो महंगाई है ही नहीं। पाकिस्तानियों, यहां पे दूध पाकिस्तान के दीगर सूबों से 70 रुपए सस्ता है। बकरे का गोश्त 600 रुपए किलो सस्ता है। ड्राई फ्रूट पाकिस्तान में जिस कीमत पे मिलता है यहां आधी कीमत पे मिलता है। क्वेटा में आज मैं देख रहा था जो गाड़ियां वहां 7 करोड़ की है। क्वेटा के लोगों, बलूचिस्तान के लोगों, कितने खुशकिस्मत हो, इधर वो गाड़ी 1 करोड़ पे मिलती है, लोग फिरते हैं। आगे की सुनो, ये पुलिस, ये कस्टम्स और ये एफसी, सुनो, अभी डीजल के साथ अब ये नारे न लगाओ, हमारी बातचीत चल रही है। ये पेट्रोल, ड्राई फ्रूट, मेडिसिन, गाड़ियां, दुनिया जहान की स्मगलिंग ईरान से, अफगानिस्तान से, बलूचिस्तान के रास्ते से यहां आपके तमाम सरकारी इदारे, फ्रंटियर कोर, सुनो, फ्रंटियर कोर, कस्टम, पुलिस, लेवी, ये सारे स्मगलिंग पे लगे हुए हैं। लेकिन आज इस जलसे के लिए सारी रोडों पे पुलिस मौजूद थी। शर्म आनी चाहिए ऐसी हुकूमत को। और ये भी सुन लो, यहां बलूचिस्तान से निकलने वाला कोयला, या आपने पीएलए को पता देना होता है या आपने एफसी को पता देना होता है। वाजीवा सिक्योरिटी फीस के नाम पे
ये पत्ताखोरी सरकारी इदारे कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों, आज पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जेर तमाम ग्रैंड अलायंस का जो आज का जलसा है, इसके कामयाब इनकाब पे मैं मशहूर महमूद खान चकदेई साहब को एक बड़ी ताली तो बनती है ना, मुबारकबाद देता हूं और बलूचिस्तान के तमाम लोगों को कि आज ये तारीखी जलसा ये इजहार है एस्टेब्लिशमेंट की इस नाजायज हुकूमत के खिलाफ। सुनो बलूचिस्तान के लोगों, पूरे पाकिस्तान पे अथॉरिटेरियन रिजीम काबिज है, जुल्म है, जबर है, गुंडागर्दी है और इस गुंडागर्दी को इस माफिया ने जन्म दिया है। अगर पाकिस्तान के हर सूबे के आवाम इस तरह निकलेंगे जिस तरह आज पश्चिम में लोग जमा हुए हैं, तो अवामी अलगार के आगे ये चोरी शुदा मैंडेट पे कायम ये हुकूमत चलने वाली नहीं है, कायम रहने वाली नहीं है। याद रखो दो चीजों की जरूरत है। हम कहते हैं मुसलमान हैं हम, अगर आपका अकीदा है कि तखलीक खुदा करता है और फना भी रब्बुल जलाल करता है, तो ये फौज ये पुलिस। नाजरीन इकराम, आज के जलसे की तकरीर शेर अफजल मरवत साहब की तो आपने सुन ही ली। शेर अफजल मरवत साहब आज काफ़ी गुस्से में नज़र आए। ईद ख़त्म होते ही शेर अफजल ने बाकायदा जलसों का आगाज कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये जलसे एहतजाज में बदलेंगे और एहतजाज शदीद शिद्दत इख्तियार करेगा और फिर इसी तरह एक रोज़ इमरान खान साहब जल्द जेल से बाहर होंगे। नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।